सिंध में उड़ी वबाई शकल अख्तियार करे वरती अज वधिक पंज बाड़ा फो हैदराबाद के लिए केहुसड़ी गोठ हयात गोठ बीड़ो पहर गोठ सुमरमला बेन गोठन में चैन बाड़न हयातियों विजयू फो थियल बाड़न में टिन वरन जो यामीन बरोई टिन सालन जी अलीजा बरोई छहन वरन जो कासिम ए चैन वरन जो यूसुफ सोलंगी शामिल इलाके में टिन हफ्तन दौरान यारह बाड़ा फोती चुका पीर जो गोठ भर पासे में भी उड़ी तेजाबतो न आयो एक हफ्ते अंदर ब बाड़ा फोती वया सांगड़ के इलाके वर्कशॉप में भी हफ्ते दौरान छह बाड़ा फो परदेही वजीर इसाक डार है डोलन लू के घरवारी के धमकियों दियण अफसोस जोगो है धमकियों दियण से पाकिस्तान से नाकारी असर पवे तो भारत से व्यापारी जायजो वी कारोबारी मू भी चाहन था भारत से व्यापार बहाल थे लंडन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे इसाक डार है ट्विटर की बहाली लाय किरदार अदा कर लंडन में सियासी ए कारोबारी मानून से मुलाकात में भी ट्विटर जो मसलो बहस हेठा सोशल मीडिया के गैर जिम्मेवाराने इस्तेमाल सबब मसला पैदा थिया सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ ए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के बचाव वाले वजीर शहजादे खालिद बिन सलमान जो धारदार मुलाकातू इलाकई अमन ए खिते की सिक्योरिटी सूरताल से गाल दिफा ए सिक्योरिटी शोबन में सहकार वधण से भी गौर विचार सदर आसिफ अली जरदारी है तो पाकिस्तान सऊदी अरब से पांजन लागापन के वही अहमियत दे तो वजीर आजम शहबाज शरीफ संदस गुजरल हुकूमती दौर में सऊदी अरब ए पाकिस्तान की माशी सूरताल में बेहतरी लाए अहम किरदार अदा कर वो उन अगो सऊदी अरब के दिफा वाले वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज के निशाने पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजो वो सदर आसिफ अली जरदारी सऊदी वजीर के एजाज से नवाजो Pakistan wants relations with all our neighbors. We are a peace-loving country and responsible nuclear state. However, let me make it clear that we will not compromise on our sovereignty. Aaj hum difa etbar se ek mazboot mulk hain aur hamare bahadur musalla afaz difa-e-watan ke liye har waqt तैयार हैं। मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूं कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें पाड़े सिरन साम उन जा ख्वाहिशमंद आयूं पुरमन वारी ख्वाहिश के कमजोरी न समझो वने हथियारबंद फौज वतन के दिफा लाए हर वक्त तैयार है सदर आसिफ अली जरदारी योम पाकिस्तान के परेड वाली तकरीब के खिताब कदे वक्त पाकिस्तान माशी समाजी ए सियासी चैलेंजेस के मुंह डे आए गुर्बत ए बेरोजगारी वा चैलेंजेस दुखियन जो हल कढ़ सभी की जिम्मेवारी है सियासी मुफादन के पासीरो कर मुल्की तरक्की सलामती लाए गडजी कम करो पव समूरे मुल्क में योम पाकिस्तान कौमी जोश ए जज्बे से मल्हायो वियो इस्लामाबाद में मुख्य तकरीब टिनी हथियारबंद फौज के जथन पारां परेड फिजाया ए नेवी के जहाजन जो शानदार फ्लाईपास अल खालिद हैदर टैंक समेत जदीद हथियारन जो निमार सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ टिनी हथियारबंद फौजन के सरबराहन की भी तकरीब में शिरकत सऊदी अरब के दिफा वाले वजीर शहजादे खालिद बिन अब्दुल अजीज जोन में पाकिस्तान की तकरीब में खास मेहमान तौर शिरकत कई योम पाकिस्तान की मुख्य तकरीब में जदीद हथियारन जो निमाव टैंक हैदर अल खालिद टैंक ए जदीद टैंक BT-4 दुश्मन से दहशत पकड़े छी पाकिस्तान के मकामी तौर से तैयार कल 140 400 किलोमीटर ए 450 किलोमीटर तीन दुश्मन के हदफन के तबाह करण की सलाहत रखड़ फतेह वन फतेह टू ए फतेह थ्री रॉकेट सिस्टम जो भी निमा कर 350 का 650 किलोमीटर तीन हर किस्म जा जंगी हथियार खड़ी वन की सलाहत रखड़ क्रूज मिजाइल सिस्टम में निमा कर 1500 किलोमीटर तीन हदफ के निशानो बढ़ाईदड़ शाइन टू मिजाइल नसर मिजाइल सिस्टम बाबर वन क्रूज मिजाइल ए
बाबिल मिसाइल सिस्टम जो भी नुमा कर वो। तकरीब में हथियारबंद फौज और दोस्त मुल्क के जथन पारा शानदार परेड जो मुजाहरो। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और आजरबैजान के जवानों भी शानदार परेड जो मुजाहरो कयो। यौमी पाकिस्तान ते ऐवान सदर इस्लामाबाद और चैनी गवर्नर हाउसेस में सिविल एजाज दियण जी तकरीबू। सदर आसिफ अली जरदारी और गवर्नर मुख्तलिफ शख्सियतों के मुल्क लाए खिदमतू करते एजाजन से नवाजो। अगुणे वे वजीर सैद कायम अली शाह मिर्जा अख्तियार बेग अमजद सिराज मेमण अजीज मेमण कली मेमा सुहेल राजपूत और मुफ्ती मुनीब के सिविल एजाज से नवाजे वो। सिंध के गवर्नर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबन से ताल्लुक रखंदड़ 76 मानून में सिविल अवार्ड्स विराया। कादर बख्श मिट्टू सीमा करमानी नसीर बेग मिर्जा और मशकूर रजा खान के हुसन कारकर्दगी अवार्ड दिनों हो। अब्दुल मालिक भुट्टो अब्दुल मालिक कमांडर दीन मोहम्मद लगारी शहीद प्रोफेसर मोहम्मद अजमल सावंत शहीद डॉक्टर नदीम कमर बेन लाइ भी सिविल अवार्ड्स दिना हु। IMF की फरमाइश से FBR व्यापारियों की लाजमी रजिस्ट्रेशन बाबत स्कीम जो नोटिफिकेशन जारी कर छो। नोटिफिकेशन मुजिब रिटेलर्स और होलसेलर की रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरुआती तौर 6 वडन शहर कराची लाहौर इस्लामाबाद रावलपिंडी क्वेटा और पिशावर में लागू थी। स्पेशल प्रोसीजर्स फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स के नाले से स्कीम से स्टेक होल्डर्स का राय तलब। व्यापारियों का टैक्स दुकान के सालानी वैल्यू के हिसाब से उगड़ो वो। FBR है तो हर दुकानदार के सालानो घट में घट 12 रुपया इनकम टैक्स देना पव। साल 2023 जा इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराइंदड़ व्यापारियों के भी रियायत मिली। स्कीम पेरी अप्रैल का लागू थी पर पेरी टैक्स की उगाड़ी 15 जुलाई का थी। कारोबारी ऑफिसू स्टोर्स दुकान और वेयर हाउसेस रजिस्ट्रेशन जहा पाबंद हूं। सेनेट चुनाव में फैसल वावड़ा की हिमायत करने वाले मामले से MQM पाकिस्तान में इख्तिलाफ सामू अची वाया। जहन मुजिब MQM पाकिस्तान जा केतरा ही अगवाण फैसल वावड़ा के वोट दियण जा मुखालिफ आन। सेनेट चुनाव में मुतदा के उम्मीदवार जो हतमी ऐलान मरकजी एडा कमेटी के इजलास में थी। तंगवाणी के इलाके जमाल और शबीराबाद में पुलिस और रेंजर्स जो 5 दिन भी ऑपरेशन केतरा ही शकी मानू गिरफ्तार। रेंजर्स तर्जमान मुजिब कुछ डी अगो कतल कल उस्ताद अल रखियो निंदवाणी के कतल की सहूलतकारी में मुलस जवाबदार अमानुल्लाह संदस पुट और वडेरे यार मोहम्मद के भी गिरफ्तार किया वो। खेरापुर में 6 दिन का गुम थियल नौजवान के अगवा की तस्दीक वारसन का 5 लाख रुपया भूम तलब। गोट कोड मेतलो वासी 27 वरियन जो नौजवान यासीन मेतलो 6 दिन का गुम हो। वारसन जो चवण है तो अज धाड़ेलन फोन कर 5 लाख रुपया भूंग घुरो है। भूंग न देने की सूरत में नौजवान जो लाश मोकलने की धमकी दिनी वही है। सेबको रहतू अदा न करते मुल्क के 3 नंबर वडे रोहिड़ी रेलवे स्टेशन की बिजली काटे छी। रेलवे स्टेशन 3 दिन का उंदही में बुडल। DS रेलवे बिजली काटा थे तस्दीक कदे है सेबको रेलवे से 394 मिलियन जो बकायू जाहिर क्यों। बिजली बहाली बाबत रेलवे अख्तियार से गाल।